सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन के वो पल बहुत खास होते हैं जब परिवार आपके साथ होते हैं। अंदाजे से ना नापिए किसी इंसान की हस्ती, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। रिश्ता जो भी हो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। आज का पंचांग 15 जुलाई 2023 दिन शनिवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात्रि 8:32 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र रात्रि 12:23 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:13 से 10:53 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर सुबह 11:22 तक रहेगी। इसकी उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। मकर राशि 15 जुलाई 2023 दिन शनिवार, कार्य में सब कुछ शानदार है। आपके प्रयासों को नोटिस किया जा रहा है और नए अवसर मिल रहे हैं। आप स्वयं को कार्यकारी अधिकारियों के स्थान पर पा सकती हैं। घर पर आने वाली समस्याओं से चीजें अधिक जटिल हो सकती है। समाधान के लिए समझदारी से काम करें। अपनी अत्यधिक व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालें और अपनी पसंद के काम करें। आज किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से बचें, खासकर नौकरी और करियर के बारे में। बातचीत में थोड़ी सी विनम्रता शामिल करें, आपको फायदा होगा। याद रखिए कि सफलता के लिए किया गया संकल्प किसी भी अन्य संकल्प से ज्यादा महत्व रखता है। आपकी रचनात्मक तथा व्यवहारिक सोच दिनचर्या को व्यवस्थित रखने में मदद करेगी। साथ ही आपसे संबंधों में मधुरता रहेगी। ससुराल पक्ष के किसी सदस्य की परेशानी दूर करने में आपका उचित योगदान रहेगा। बच्चों को अच्छी प्रोग्रेस देखकर, बच्चों की अच्छी प्रोग्रेस देखकर मन प्रसन्न रहेगा। प्रयत्न करने के बाद भी अपेक्षा के अनुसार फल न मिलने से आपको निराशा हो सकती है। प्रेरक बातों पर ध्यान देते हुए खुद को प्रेरित रखने की कोशिश करें। परिवार के लोगों से मदद प्राप्त हो सकती है, इस कारण समस्याएं दूर हो सकती है। आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े प्रभावशाली लोगों के साथ आपका परिचय बढ़ेगा जो नए अवसर दिला सकते हैं। आपके द्वारा भेजा गया प्रपोजल स्वीकार होने में वक्त लगेगा। बदन दर्द की तकलीफ या बुखार जैसी तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, अपने जज्बातों पर काबू रखें तथा भावनाओं में बहकर ऐसी कोई भी गैर जिम्मेदाराना बात ना करें कि आपको पछताना पड़े। दूसरों की मदद के साथ साथ अपने व्यक्तिगत कार्यों के प्रति भी ध्यान देने की जरूरत है। दूसरों की मानसिकता को समझे विद्यार्थी पढ़ाई के प्रति अपनी प्रयास और बढ़ाएगा। बात करते हैं लव लाइफ की। बच्चों के लिए अभी संकट का समय है जो स्वास्थ्य या निजी जीवन से भी संभव हो सकता है। रोमांस में समस्याएं आएगी अगर आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रही हैं, तो अपने साथी को अपने दिल की बात बताने का समय दें और उसे ध्यान से सुने। कार्यस्थल के लोगों के साथ समय बिताएं और विचारों को बांटें। आज अपने दोस्त बनाना चाहती हैं जो आपकी मदद करें। हमेशा स्पष्ट बात करें और याद रखें किसी को ठेस ना पहुंचे। प्रेम के संबंधों में बंधने से पहले अच्छे से जान ले कि क्या आप सच में उससे प्यार करती हैं। इन मामलों में जल्दबाजी ठीक नहीं। बात करते हैं करियर की। ऑफिस में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हुए महत्वपूर्ण कामों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आज आप खुद का बिजनेस शुरू करने और अपनी नेतृत्व के गुणों को विकसित करने के बारे में भी सोच सकते हैं। प्यार की जगह पैसों को अहमियत ना दें।
आज व्यस्त जीवन से समय निकालकर अपना ध्यान अपने मित्रों के साथ घूमने और अपने शौक पूरा करने में केंद्रित करें। कार्य में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। नए दोस्त या दुश्मन आज आपके आसपास हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं या आपको हानि पहुंचा सकते हैं। आपके नम्र और कुशल व्यवहार से आपको लाभ होगा। बात करती है सेहत की। दाम्पत्य संबंधों में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखें। युवा वर्ग की दोस्ती प्रेम संबंधों की ओर अग्रसर होगी। बदन दर्द की तकलीफ सता सकती है, ध्यान रखें। आज का उपाय, आज जब गरीबों को तेल और काली तिल का दान करें शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।